अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं दोस्तों? जैसे ही मैं पेट हाउस में आया ना, सबको मैंने खोला है और यार ये एंग्री बर्ड्स फिर इनको मार रहे हैं। उधर हो जाओ। और मैंने इधर एक चीज़ देखी है, वो क्या देखा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो हमारे कबूतर है ना, कबूतरी का अंडा आ गया ना, वो देखो माशाल्लाह। दोस्तों सबसे पहले तो आपका थैंक्स 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने के लिए। उम्मीद है आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। मैंने बोला था आपको एक सरप्राइज़ दूंगा, वो सरप्राइज़ आज वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल सबको डाइट डालते हैं अच्छी सी। दोस्तों मैं कबूतरों को ना अंदर डाइट देता हूँ पिंजरे में, क्योंकि एंग्री बर्ड्स इधर आ गए, उनको बिल्कुल नहीं खाने देंगे ये। ये एंग्री बर्ड्स का पड़ा। एंग्री बर्ड्स अब आराम से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ एंग्री बर्ड। यार कबूतर कहाँ उड़ के जा रहे हैं? कबूतरों इधर आओ, दाना तो खाओ पहले। हाँ इधर इधर इधर, देखो मेरी बात मानने लग गए हैं थोड़ी थोड़ी। सुबह सुबह जैसे ही मैं आया हूँ, यहाँ बिल्ली आई बैठी थी, मुझे डर है बिल्ली किसी कबूतर को पकड़ ना ले आज। माशाल्लाह हमारे जो हीरे हैं ना, बहुत एक्टिव हैं बड़े, और सब मुर्गियों से अलग गए ये। हमारी एक मुर्गी ना यार बिल्कुल डाउन हुई, बढ़िया मैं आपको दिखाऊँ। वो देखो ये जो ब्लैक वाली है, ये कुछ खा रही है ना कुछ घूम रही है, बिल्कुल ऐसे बैठी है। यार डक दोबारा अंदर चला गया कबूतरों के पिंजरे में। चलो उधर अपने जाओ, साइड पे जाओ। मुझे डर है इसका अंडा तोड़ ना दें, जो आज हमें अंडा मिला है छोटा सा। मैंने एंग्री बर्ड्स को ना ये वाला दाना दिया था, लेकिन ये अपना थोड़ा ख़त्म करके थोड़ा सा बचा के कबूतरों वाले दाने पे डाका मार दिया इन्होंने उधर जाके। ये रुक ही नहीं रही है, देखो अभी सारा ये भी ख़त्म कर जाएंगे। अब उधर पहुँच गए, अब वो खाने स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से मैंने कहा घास मंगवाता हूँ, मैंने अपने भाई अली को कहा जल्दी यार जा घास ले आ, भाग के जा। तो मुझे पता है मुर्गियों ने इधर तो आना नहीं है, इसीलिए मैं खाना वहीं लेके जा रहा हूँ। यहाँ डक्स और एंग्री बर्ड्स बैठे हैं, डर रही हैं मुर्गियाँ। यहाँ खा लो आप, तो खा लो। यार एंग्री बर्ड्स ने ना पूरे दाने के शापर पे डाका मार दिया, पूरा डाइट का शापर भरा हुआ था। ये देखो उत्तेरी सारा गिरा दिया यार। ओ भाई साहब, यार तुम एंग्री बर्ड्स क्या करते हो यार तुम? इनका इनके साथ क्या किया जाए कमेंट में आप बताओ, इन एंग्री बर्ड के साथ। और ये खुश हो रहे हैं अभी गिरा के। देखो दोस्तों छोटा मोर बाहर निकल आया, और देखो इसको भी दाना खिलाते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये। मुझे मोर का बहुत शौक है, बहुत शौक है। इंशाल्लाह मोर भी ले आऊँगा, लेकिन आज जो चीज़ आने वाली है ना, वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, अमेजिंग है। पहले तो डक्स के लिए पानी आ गया, ये बहुत खुश होंगे अभी देखना आप। सारी डक्स को इधर बुला, ये देख रहे हो इनको पता लग गया पानी आ गया हमारे लिए। ओ भाई ये सीन चेक करो आप, एक बतख तो पानी के अंदर ही बैठ गई है। दोस्तों जल्दी से जल्दी इनके लिए ना हम स्विमिंग पूल बनाएंगे छोटा सा, बस आज या कल, आज या कल। यार काम ख़त्म नहीं होते, फिर मुझे पेट मार्केट भी जाना पड़ता है, इसी वजह से टाइम नहीं निकल रहा, तो बस जल्दी बनाएंगे। यार एंग्री बर्ड्स ने ना हीरे को पकड़ लिया मारने के लिए, इधर हो चलो। जिस कबूतरी ने अंडा दिया है ना, वो कुछ खा नहीं रही, मैं खाना इसके आगे रखता हूँ ताकि खा सके। अब खाएगी, 5 मिनट के बाद इसने खाना स्टार्ट कर दिया, शुक्र है खा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ खाएगी तो सही होगा, नहीं तो अंडे कैसे देगी ये। और हाँ दोस्तों, अंडे से याद आया, हमारी डक का एक और अंडा अभी दिखाता हूँ। वो देखो कितने हो गए आपको नजर आ रहे हैं? 3 अंडे, 1 2 3, लगातार 3 दिन में 3 अंडे इसने दे दिए हैं, और मुझे लगता है 10 या 11 अंडों के बाद ये डक अंडों पे बैठ जाएगी। बड़ी गुड न्यूज़ है यार, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब इस तरह कोई अंडे दे के बैठे, तो जो इनके बच्चे होते हैं ना बड़े क्यूट होते हैं छोटे छोटे, बड़ा मज़ा आएगा देखने में। दोस्तों जो कल हम न्यू डक्स लेके आए थे ना, इस बदमाश डक पहले वाले ने ना अलग कर दिया, वो देखो वो बेचारा कितना यार उदास बैठा है। ये अलग फिरते रहते हैं 5, और ये बेचारा अलग फिरता रहता है। अब मैं इनकी दोस्ती लगवाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये साथ फिर सकें। उधर जाओ उधर जाओ, ये देख यार वो मारने आ गया, ओए उधर हो। यार ये बहुत बदमाश है, इसको बहुत मारता है बेचारा, शरीफ है ये वाला। दोस्तों डक्स की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, ये अपने आप को नीट एंड क्लीन रखती हैं। जैसे ही पानी से बाहर आती है ना, ये अपने आप को देखो साफ करती हैं, अपने मुँह से अपने पर से। वो देखो हमारे जो ये दरख्त है ना, इधर इतना कुछ आता है, इतने पैट्स आते हैं, तोते आते हैं, इधर मैना आती है, इधर बुलबुल आती हैं,
बहुत अभी सीजन आने वाला है, तकरीबन एक मंथ रह गया, इधर बहुत कुछ आएगा और हमारे पेट हाउस को देख के इधर भी आएंगे फिर खाने वगैरह। ये कौन आ गया है? ओ तेरी यार, एक बिल्ला है हमारे पास जो आता होता था, लेकिन आजकल दो तीन बिल्लियों ने नजर रखी हुई है हमारे पेट हाउस पे। दोस्तों अंडे वाली कबूतरी भी बाहर आ गई है, वो एंग्री बर्ड अंदर गया हुआ है यार। कबूतरों ये अंडा तोड़ ना दे, बाहर आ यार। दोस्तों अली भी आ गया है घास लेके, और अब मैं सबको डालता हूँ यार। दोस्तों ये रैबिट्स का है पड़ा, रैबिट्स किधर गए, किधर गए, इधर आओ इधर आओ इधर, रैबिट्स यहाँ आराम से खा लो यार आप। इनको एक साइड पे देते हैं ताकि आराम से खा लें। अपने पैरेट्स को भूल ही गया हूँ, वो उधर पड़े हैं सेन में, मुझे अभी याद है उनको भी डाइट डालनी है। तो हमारे पैरेट्स आ गए हैं, और ये देखो ये ओपी कबूतर भी आ गए हैं। इनको इनके पास तो पहले खाना पड़ा था, और डब्स के पास भी बहुत सारा खाना पड़ा था, मुझे लगता है रात को मेरे भाई ने रखा होगा। पैरेट्स को मैं दे देता हूँ, आ जाओ। तो डक्स की तो समझ आती है, कबूतर भी नहाने बैठ गए, अभी तो गर्मी भी नहीं आई, ये देखो इसके अंदर बैठे हैं दोनों। दोस्तों ये मैं डाइट ले आया हूँ, ये हमारी जंगली बिल्ली के लिए। यार ये पेट हाउस वाली तरफ जा रही है, इसको मैं बुला के डाइट दे देता हूँ, आ जा। बस तू पेट हाउस पे हमला ना करना, सांप खा ले। ये मजे से खाएगी आप। दोस्तों चील आई हुई है, एंग्री बर्ड्स कितना शोर मचा रहे हैं, वो देखो वो चील बैठी है, पता नहीं करना क्या चाहती है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये डर ही नहीं रही यार। ये देखो जो हमारे कासिद कबूतर थे ना, वो हमने आज आज़ाद कर दिए हैं, ये देखो एक ये है पड़ा और एक ये, कितने खूबसूरत हैं पड़े, और अब ये पेट हाउस के अंदर घूमते रहेंगे। दोस्तों मैं तो डर गया हूँ इस रैबिट को, क्या हो गया ये वाला, ये मज़े कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। अब इसको उठाऊं। ये देखो मैं बहुत डर गया था, मैंने कहा पता नहीं ये शायद। दोस्तों हमारी कबूतरी अंडों पे बैठी है, मुर्गियां अंदर चली गई हैं। बारो 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 बारो। दोस्तों जो कल हमारे पास बुलबुल आई थी ना, मैंने बोला था आज उसको आज़ाद कर दूंगा, देखो वो बिल्कुल बाहर जाने की कोशिश कर रही है, पूरी रात फुदकती रह गई है, ना इसने कुछ खाया है ना कुछ किया है। ओए आ जा। चलो दोस्तों इसको मैं खुद आज़ाद कर देता हूँ, इसको रास्ता पता नहीं लग रहा था, इसको दिल धक धक कर रहा है, इसकी धड़कन मुझे काट रही थी। चलो यार हो गई। दोस्तों हीरों का पानी पीने का स्टाइल देखो आप। ये ऊपर चढ़ के बैठते हैं फिर पीते हैं। तो एंग्री बर्ड्स ना हीरों के दुश्मन हैं, बार बार उनको मारते हैं। दोस्तों सब कबूतर खा रहे हैं, लेकिन जो अंडे पे बैठी है ना ये नहीं खा रही। ये सीन कुछ इस तरह होता है, 15 मिनट या 20 मिनट नर बैठते हैं अंडे पे, और 15 मिनट या 20 मिनट मादी बैठती है। ये चीज़ मैंने पहली दफ़ा देखी है। दोस्तों लोगों को ना बिल्ली से डर होता है, लेकिन मुझे चील से डर है पड़ा। चील बहुत तंग किया हुआ, चील ने इनको पकड़ने आ जाती है। अच्छा तो दोस्तों अब टाइम आ गया आपको सरप्राइज़ देने का, तो बस पेट मार्केट में जा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, और वहाँ से आपके लिए सरप्राइज़ लेके आते हैं। दोस्तों अभी अभी हमें पेट मार्केट से कॉल आई है, वो कह रहा है आपका सरप्राइज़ आ गया, बस आप आके ले जाओ। तो सुबह से अब बताया उसने आप आ जाओ, तो बस हम पहुँचने वाले हैं। फिश भी रखेंगे, फिश वाला। तो आप बताओ सरप्राइज़ क्या होगा, कुत्ता बिल्ली पेंटम चिकोर हर चीज़ पड़ी है पेट मार्केट में। चलो जी दोस्तों हमने पेट मार्केट से ना सरप्राइज पिक कर लिया, इसको घर लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं सरप्राइज हमारे पास क्या है बड़ा। वैसे आप बताओ क्या लगता होगा आपको, नहीं आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि बिल्कुल पैक है। चलो यार उठाओ उठाओ जल्दी, इतना बड़ा सरप्राइज है दोस्तों हमें, देखो एक दो दो बॉक्स हैं बड़े, बाकी घर जाके खोलेंगे इसको। दोस्तों सरप्राइज हमारा आ गया पेट हाउस के अंदर, और मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ। चलो दोस्तों ये देखो ये क्या है, इतना उठाना जरा ये उधर। ओ, 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 ओ भाई उड़ जाते हैं, टर्की बर्ड है भाई यार, ख्याल से खोलते हैं, मुझे इनका एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे इतने खूबसूरत हैं दोस्तों ये। हाँ खोलो खोलो, इसको भी छोड़ दो, आ जा आ जा, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से भाई आराम से आराम से। क्या कैसा लगा सरप्राइज दोस्तों आपको? तो बाकी मैं इनको अभी बंद कर देता हूँ,
आपको कल मिलूंगा, आज के लिए व्लॉग एंड करते हैं। बाकी अगर सरप्राइज पसंद है तो जरूर बताना। मिलते हैं कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।